कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा चलाने की आधिकारिक अनुमति दे दी है। इस फैसले पर कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल की आलोचना की। कुछ नेताओं ने उन्हें हटाने की भी मांग की। कांग्रेस एमएलसी इवान डिसूजा ने सोमवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत के चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो अपने इस आदेश को वापस नहीं लेते तो उन्हें कर्नाटक छोड़कर भागना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि किसी राज्यपाल को हटाने का क्या प्रोसेस होता है। संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया कि हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये किसी राज्य का मुख्य कार्यकारी होता है। इसकी नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और उम्र 35 साल से ऊपर होनी चाहिए। जिस तरह देश के राष्ट्रपति हैं, वैसे ही राज्य के प्रमुख राज्यपाल। राज्य के सभी कार्यकारी फैसलों पर उनके हस्ताक्षर होते हैं। राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने और खत्म करने का अधिकार भी उनके ही पास होता है। जब राज्य में चुनाव होते हैं तो गवर्नर ही बहुमत सीटों वाली पार्टी या गठबंधन की सरकार बनाते हैं और उन्हें आमंत्रित भी करते हैं। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने और सीएम की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन कर दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति कर राज्यपाल का काम करते हैं। हालांकि राज्यपाल के पास ये पावर भी है कि वो मुख्यमंत्री सहित किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। विधानमंडल में जब भी कोई बिल पास होता है तो उस एक्ट यानी कानून वाले बिल पर राज्यपाल के हस्ताक्षर जरूरी हैं। आइए अब हम जानते हैं कि राज्यपाल को कौन हटा सकता है। राज्यपाल को हटाना है या नहीं, इसका अंतिम फैसला राष्ट्रपति ही करते हैं। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। इसके प्रमुख खुद प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति एक सलाह पर ही अपना फैसला लेंगे, इसलिए इस तरह से राज्यपाल को हटाने का फैसला राष्ट्रपति और केंद्र सरकार लेती है। पीआरएस की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति के पास राज्यपाल को बिना किसी कारण बताए और सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी भी समय हटाने की शक्ति होती है। हालांकि इस शक्ति का प्रयास केवल वैध और बाध्यकारी कारणों के असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। केवल इसी वजह से राज्यपाल को नहीं हटाया जाना चाहिए कि गवर्नर और केंद्र सरकार में विचारधाराओं के मतभेद हैं। राज्यपाल चाहे तो वो खुद इस्तीफा देकर पद से हट सकते हैं, पर आर्टिकल 156 के मुताबिक राज्यपाल अपना इस्तीफा पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं और पद त्याग देते हैं। राज्यपाल को हटाने के फैसले को अदालत में कब चुनौती दे सकते हैं? राज्यपाल को हटाने के निर्णय को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे मामलों में अदालत केंद्र सरकार से कुछ पूछ सकती है कि किस आधार पर राज्यपाल को हटाया गया। हालांकि इसके लिए याचिकाकर्ता को पहले ये सब साबित करना होगा कि केंद्र सरकार की ओर से मनमानी या गलत नीतियों की राज्यपाल हो रहे हैं और इसलिए उन्हें हटाया गया। आइए जानते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना लंबा होता है। संविधान के अनुच्छेद 156 के मुताबिक राज्यपाल का कार्यकाल 5 सालों का होता है। हालांकि अगर राष्ट्रपति चाहे तो वह राज्यपाल के कार्यकाल को कम या बढ़ा सकता है। ये प्रेसिडेंट के प्लेजर यानी राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पर निर्भर करता है, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद नहीं संभाल लेता। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।